बाड़मेर विधायक निवाराम जैन बाड़मेर में लौटते ही एक बार फिर से एक्शन मूड में नजर आए। शनिवार को विधायक जैन ने मेडिकल कॉलेज से अटैच राजकीय चिकित्सालय का दौरा किया। विधायक जैन ने रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपीडी कक्ष, वार्ड लैब, एक्सरे रूम और निःशुल्क दवा काउंटर्स का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। वहीं जैन ने चिकित्सालय के अधीक्षक और चिकित्सकों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बाड़मेर जिले में तेजी से बढ़ रहे कोविड वैक्सीनेशन के आंकड़े के बीच अब कोविड वार्ड पर भी कार्यभार ना के बराबर है, लेकिन मौसमी बीमारियों के चलते जिला अस्पताल की ओपीडी इन दिनों हाउसफुल नजर आ रही है। पर्ची काउंटर पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। यहां की व्यवस्थाओं को लेकर शनिवार को बाड़मेर विधायक मेवाराम अचानक राजकीय जिला अस्पताल के निरीक्षण करने पहुंचे। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के साथ बाड़मेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल विश्नोई भी अस्पताल पहुंचे। दोनों ने राजकीय अस्पताल के कई वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन सेवाओं व कोविड वार्डों का निरीक्षण करने के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। पहली बार तो जिस तरह से इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बाड़मेर के लिए सौगात दी और हॉस्पिटल के लिए जो सौगात दी, इसके लिए मैं यहाँ अस्पताल आया भी कि आज सवेरे आया हूँ और अस्पताल आया और यहाँ अस्पताल प्रशासन, बाड़मेर प्रशासन, बाड़मेर की जनता और सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाड़मेर के अंदर इस बजट में हमने जो मांगा वो हमें मिला और इस अस्पताल की आज की बात करें व्यवस्था अच्छी है। अभी आप देख ही रहते इतनी भीड़ ओपीडी, दिन में 2500-3000 की ओपीडी और जिस तरह से डॉक्टर्स उसमें लगे हैं, शानदार व्यवस्था है। मुझे कोई किसी तरह की शिकायत भी नहीं मिली। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर के लिए सौगाता दी, इस अस्पताल के अंदर 126 करोड़ का 365 बेड के लिए जो निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 30 बेड का आईसीयू वार्ड की भी स्वीकृति दी, इसके लिए भी मैं बाड़मेर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसके साथ ग्रामीण एरिया में मेरी बाड़मेर विधानसभा के अंदर बाड़ेरा में PSC दी, दुधाबेरी में PSC दी और चवा में CAC दी और उसके साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ पंचायत मुख्यालय है वहाँ सबसे उप स्वास्थ्य केंद्र में है 748 उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे, जिसमें बाड़मेर में विधानसभा में 17 जगह उप स्वास्थ्य केंद्र भी के साथ खुदरे, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और शहर के अंदर पहली बार सरकार ने 20 किलोमीटर रोड दी है सीवरेज के लिए। मैंने परसों ही बात की थी, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बन के जा रहा है बाड़मेर शहर के आसपास की शहर की और पानी की व्यवस्था और सीवरेज की व्यवस्था का सुचारू रूप से व्यवस्था होगा। 10 करोड़ भी इस बजट में पानी के लिए भी पैसे दिए है। जैन ने राजकीय अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर BL मंसूरिया से मंत्रणा की। जैन ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, अस्पताल की सफाई व्यवस्थाओं को अधिकारियों को निर्देशित किया है कि व्यवस्था को सुचारू किया जाए, वहीं व्यवस्थाओं में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहीं औचक निरीक्षण कर स्थितियों को फिर से जांचा जाएगा।